बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बीआईएस कंपनी के द्वारा आउटसोर्सिंग पर कार्यरत स्टाफ नर्सों ने मंगलवार को मई और जून महीने की बकाए मानदेय तथा 25% प्रोत्साहन राशि के भुगतान की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में स्टाफ नर्स अमृता याकूब ने बताया कि 2 माह के मानदेय भुगतान के लिए जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन दिया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि बजट आ चुका है। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को सभी स्टाफ नर्सों का वेतन दिलाने का निर्देश दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्टाफ नर्स अमृता याकूब ने कहा, अमृता याकूब डीएम सर के पास हम लोग गए थे अपनी इसी मांग को लेकर, जो हमें 3 महीने अभी 3 महीने के लिए अपॉइंट किया गया था, जिसमें कल 3 महीना पूरा हो रहा है, हम सभी को हटाया जा रहा है जॉब से, लेकिन सैलरी हम लोगों को अभी तक नहीं दी गई। 3 महीने में सिर्फ 20 दिन की दी गई है, और वो भी उसमें भी कुछ लोगों की दी गई, कुछ लोगों की नहीं दी गई। और डीएम साहब ने अभी बात किया है, उन्होंने क्लियर बोला है कि बजट आ चुका है जून तक का, और हमारे प्रिंसिपल जो हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज के वो और सुपरवाइज़र जो हैं बीआईएस कंपनी के, उनका कहना है कि अभी बजट नहीं आया है, सैलरी आप लोगों को 3-4 महीने 5 महीने लग जाएंगे मिलने में, जबकि अभी डीएम सर ने एकदम क्लियर किया है कि जून तक का आ चुका है बजट, और उन्होंने मजिस्ट्रेट सर से भी ये बात कहा है कि इन लोगों का तुरंत आप लोग फाइनल करवाइए इस चीज़ को। इस बात की खुशी है कि हाँ डीएम सर ने हेल्प किया, ये चीज़ बताया कि बजट आ चुका है, जो अभी तक हम लोगों से छुपाया जा रहा है कि बजट नहीं आया है। किस कंपनी द्वारा आप लोगों को? बीआईएस। कितने दिनों से काम कर रही है? 3 महीना इसमें हुआ है अभी, पिछले महीने 6 महीना। स्टाफ नर्सेज 150 लगभग स्टाफ नर्स।